तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स में जो एक मिडिल टर्म का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे 2015 में आया हुआ है सीबीएसई में, तो ये 2015 का जो मिडिल टर्म फाइंड करने क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, बट वी हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म पहले होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, देर आर फाइव नंबर्स, फाइव नंबर्स हैं जिसमें मिडिल टर्म मतलब बीच वाला कौन सा होगा। तो अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें या यहाँ से चलना शुरू करें तो आपको बीच वाला सिर्फ यही मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ओके, तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 6, 13, 20, 2, 1, 6, तो एपी है ये 6, द कॉमन डिफरेंस इज वॉट, 13 माइनस 6 7, 20 माइनस 13, ऐसे चेक कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म हमें मालूम है। और हमें क्या चीज़, और एक चीज़ और पता है कि लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस पता है, लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन हमें मालूम है कि वो हमारा 2, 1, 6 है। तो हम क्या करेंगे, तो लास्ट टर्म का जैसे हमने फॉर्मूला अब देखते हैं कि एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट हमें एल पता है, ए पता है, डी पता है, पर एन नहीं पता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हम बीच वाला एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 1, 6 है, ए की वैल्यू क्या है, 6 है, एन हमें पता करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, 13 माइनस 6 7। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7n-1=2, 16 माइनस 6 कितना हो गया, 2, 16 माइनस 6 दैट इज 2, 1, 10, 2, 1, 0। ओके, अब हमारे पास 7n-1, तो n-1 कितना होगा, 7 का ये 30 हो गया, और n की वैल्यू हो गई 30 + 1 दैट इज 31। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोग्रेशन हमें गिवन है इसमें देयर आर 31 टर्म्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 31 है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया था जिसमें 5 टर्म हमने लिए थे, तो मिड वाला कौन सा निकला हमारा, थर्ड वाला। तो ये कैसे हुआ, आइडिया ये है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि 5, अगर 5 टर्म्स हैं तो ये तीसरा टर्म निकला, इसका मतलब 5 + 1/2 ये हमें मिला, थर्ड टर्म। तो क्या हो गया, n + 1/2th मिलेगा। तो जब भी n हमारा ऑड नंबर हो, व्हेन n इज ऑड, देन द मिडिल वैल्यू, या फिर हम कहेंगे देन द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी इज वॉट, इज वॉट, कौन सा टर्म होगा, मतलब n+1/2th ये वाला टर्म होगा। जैसे n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 31, 31 + 1 / 2, ये वाला जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 32/2 16, इसका मतलब जो 16वां टर्म होगा, 16th टर्म होगा, वो मिडिल टर्म होगा ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन का 16th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा। ओके, तो ये 16th टर्म हमको इवेल्युएट करना होगा। तो 16th टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो ए 16 का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज ए प्लस 15 डी। अब आपको ए पता है, डी पता है, ओके, तो क्या हमें ये केवल एन हमें इसलिए पता करना था कि हम ये पता कर पाए कौन सा वाला टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। तो ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू हमारी 7 है। तो कितना हो जाएगा, 15 7 105, एन 105, 6 + 105, एंड दिस विल गिव यू व्हाट, 10 सॉरी 111, 111। तो 111 हमारा कौन सा आया, 111 हमारा क्या आया, मिडिल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन, इस प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म आया। नाउ अब ये तो क्वेश्चन देखिए आ चुका, अब बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें हमारा जो टर्म्स होंगे वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो अब आप देखिए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का एक रफ आइडिया लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1, 2, 3, 4 मान लीजिए ले लेते हैं, 5, 6 ले लेते हैं, 6 टर्म ले लिए हमने। अब देखिए मिडिल टर्म आप कैसे काउंट करेंगे, मिडिल टर्म जो एग्जैक्टली मिड में आएगा, तो यहां से हम चलना शुरू करेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे 1, 2, 3। तो देखिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर ये एक टर्म हट जाता तो हम एग्जैक्टली बता सकते थे बीच वाला टर्म एग्जैक्टली कौन सा होगा, बट इवन है तो दोनों हो सकते हैं, तो दोनों इवेल्युएट होंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स, इफ
number of terms in an AP जो है अगर even है मान लीजिए even, तो हमारे दो टर्म जो होंगे वो मिडिल होंगे, तो हम कहेंगे कि वो टर्म कौन से होंगे, एक तो आप n by 2th कैलकुलेट करेंगे, मतलब number of terms divided by 2 कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो होगा, और n by 2 plus 1th होगा। ये बड़े काम की चीज है, ये आपको 11th में भी पढ़ना होगा। तो इस तरह से अगर हम यही समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो n by 2th हम कैलकुलेट करेंगे और n by 2 plus 1th कैलकुलेट करेंगे, दो टर्म हमारे मिडिल हो गए। तो इस पे देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म किसका ऑफ एन एपी। अब वो एपी देखिए हमारी क्या दी है, 7 13 19 एंड सो ऑन 214। फिर से वही लास्ट टर्म हमें गिवन है, केवल हमें ये पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बिकॉज उसको जानकर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम फिर से किससे निकालेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस वन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 241 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, और एन की वैल्यू हमें पता करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये हमारा क्या आएगा, 2, तो 6 एन माइनस 1 और 241 माइनस 7 कितना होता है, 1 और 6 हटाएंगे तो 234 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 6n तो 6 से डिवाइड कर दिया, 6n माइनस 6 इक्वल टू 234, 6n हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 234 प्लस 6 240, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 40। अब देखिए ये क्या आया, नंबर ऑफ टर्म्स आया, और नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या है, इवन। अब सिंस n इज इवन, देयरफॉर देयर आर टू मिडिल टर्म्स एंड वी विल फाइंड दैट। ओके, तो कौन से देखिए मिडिल टर्म होंगे, एक तो n by 2 plus 1 हो गया, एक बार n by 2 2th हो गया, n by 2th का मतलब क्या हुआ, 40 by 2th, दैट इज 20th टर्म, एक 20th टर्म हो गया, और दूसरा देखिए n by 2 plus 1, अब n by 2 20, तो इसको लिख लेते हैं 40 by 2 plus 1th, दिस इज व्हाट, 220 plus 1, दैट इज 21st कहेंगे। तो 20th एंड 21st, दीज टू टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स ऑफ द गिवन प्रोग्रेशन। तो ए 20 हमारा कैसे निकलेगा, ए 20 इक्वल टू ए प्लस 19d। अब ए और बी की वैल्यू हमें पता है, तो देखिए ए और डी हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 माइनस 7 दैट इज 6 होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए 20 की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 121 मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से अब हमारा नेक्स्ट जो टर्म होगा वो ए 21 वाला होगा, मतलब 21st टर्म होगा, दैट इज ए प्लस 20 इंटू डी। अब देखिए फिर से भाई ए और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 6 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 127 हो गया। इसका मतलब 121 और 127, मतलब 121 और 127 इस प्रोग्रेशन में जहां भी आएंगे वो हमारे मिडिल टर्म होंगे इस प्रोग्रेशन के। इज इट क्लियर? सो तो दो ही केस है हमारे पास मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए, एक तो जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होंगे और एक दूसरा जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे। तो दोनों ही केस में हम इस तरह से फाइंड करेंगे। याद रखिएगा, जब तक हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं लगेंगे आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो पहला काम मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए ये ध्यान दीजिएगा कि क्या नंबर ऑफ टर्म्स उसमें गिवन है कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं गिवन है देन वी विल फाइंड बाई दिस मेथड। ऑलराइट।